ऋषि मुनियों की तपोभूमि है पहाड़, यूं ही नहीं कहते इसे देवभूमि। हरे भरे खेत, खेतों के बीच से जाती पगडंडियां, पहाड़ों की ढलानों में बने खेतों में काम करती महिलाएं, साथ ही स्थानीय भाषा में गीत गुनगुनाती हुई। जी हाँ, ये है भारत का उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड की खूबसूरती सहसा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती आई है। वादियों के धनी इस प्रदेश का अपना खूबसूरत इतिहास भी है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में कई देवस्थलों के साथ पर्यटन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ कई तरह की फसलों के साथ विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे भी मिलते हैं। उत्तराखंड की लगभग 90% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। एक अनुमान के हिसाब से राज्य में कुल खेती योग्य क्षेत्र 7,84,117 हेक्टेयर है। राज्य की कुल आबादी का 75% हिस्सा ग्रामीण है, जो अपनी आजीविका के लिए परंपरागत रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी उन्हें आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है, और इसके लिए सबसे कारगर रहा अल्मोड़ा का विवेकानंद कृषि पर्वतीय अनुसंधान संस्थान। दिल्ली से करीब 385 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा से 13 किलोमीटर पर है हवाल बाग, जहां इसका प्रयोगात्मक क्षेत्र है। संस्थान की स्थापना जुलाई 1924 में पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय प्रोफेसर बोसी सेन द्वारा कोलकाता में की गई थी। हालांकि उस समय इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी रखा गया। लेबोरेटरी को 1936 में स्थायी रूप से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया, लेकिन साल 1959 में उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित करने तक संस्थान शुभ चिंतकों द्वारा दिए गए दान व मदद से संचालित होता था। एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ सफर पर्वतीय अनुसंधान में कई उपलब्धियां अपने नाम कर चुका है। 1959 में डॉक्टर संपूर्णानंद, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, जब वो अल्मोड़ा आए और जब उन्होंने प्रोफेसर सेन का काम देखा, तो उन्होंने ये उनको ऑफर दिया कि हम इस लैब को जो है उत्तर प्रदेश सरकार के तहत ले लेते हैं। तो प्रोफेसर सेन की कुछ शर्तें थी, उसमें एक मुख्य शर्त ये थी कि एक तो विवेकानंद का नाम नहीं हटाएंगे आप इससे, और दूसरा ये थे कि जितने स्टाफ मेरे साथ काम कर रहा है इनको आप एब्जॉर्व करेंगे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने वो दोनों शर्तें उनकी मानी, और इस तरह से ये प्रयोगशाला 1959 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चले गई। उसके बाद ये प्रस्ताव आया कि क्यों ना इसको ICR का एक संस्थान बना लिया जाए, और उसमें ICR के महानिदेशक जो थे प्रोफेसर स्वामीनाथन थे, तो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कुछ फॉर्मेलिटीज़ के पश्चात में ये इसको ICR का एक इंस्टीट्यूट बनाया। ये संस्थान विवेकानंद की तपोस्थली भी रहा है। 1 अक्टूबर 1974 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस संस्थान को अपने अंतर्गत ले लिया गया, और इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया। वर्तमान में संस्थान पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को विस्तार देने में लगा हुआ है। संस्थान के प्रमुख 4 भाग हैं: फसल सुधार विभाग, फसल उत्पादन विभाग, फसल सुरक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान अनुभाग है, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। संस्थान के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज पर्वतीय क्षेत्रों के किसान न सिर्फ पारंपरिक फसलें सरलतापूर्वक उगा रहे हैं, बल्कि मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मक्का की खेती, मोटे अनाजों की खेती
और औषधीय पौधों की खेती को व्यावसायिक रूप दे पाए हैं। 1974 में जब ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान बना, तो उस समय इसका जो अधिदेश क्षेत्र है, जो कार्य क्षेत्र है, वो बढ़ा करके तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर बनाया गया, जो वर्तमान में उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का पूरा पर्वतीय क्षेत्र और जो यूनियन टेरिटरीज हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो इसका अधिदेश क्षेत्र है। आज तक जो है संस्थान ने बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिसमें एक जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि संस्थान अभी जैसे 100वें वर्ष में चल रहा है, तो 100वें वर्ष में 192 प्रजातियाँ इस संस्थान के द्वारा विमोचित की गई हैं, जो न केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए संस्तुत की गई हैं, बट उसमें से बहुत सारी प्रजातियाँ देश के विभिन्न राज्यों के लिए भी विमोचित की गई हैं। संस्थान के फसल सुधार विभाग की बात करें तो इसका मुख्य कार्य महत्वपूर्ण पर्वतीय फसलों में आनुवांशिक वृद्धि, उच्च गुणवत्ता व रोग प्रतिरोधी वाली उन्नत किस्मों का विकास करना है। यहाँ की प्रमुख पर्वतीय फसलों में धान, गेहूं, मक्का, दलहनी, तिलहनी, रागी, सामा, चौलाई, कुट्टू एवं सब्जी फसलें, जिसमें सब्जी मटर, प्याज, लहसुन, टमाटर, शिमला मिर्च और फ्रांस बीन शामिल है। अभी तक इन फसलों में लगभग 190 से अधिक उन्नतशील किस्मों का विकास किया जा चुका है। फसल सुधार विभाग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई तरह की सुविधाओं का सहारा लेता है, जिसमें बायोटेक लैब, क्वालिटी लैब, डीएच तकनीक, जर्म प्लाज्म संरक्षण यूनिट, रैन आउट शेड, बीज उत्पादन इकाई शामिल हैं। फसल सुधार विभाग के सब्जी परियोजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों की 6 प्रमुख सब्जी फसलों की उन्नत प्रजाति के विकास के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, जिसमें मटर, लहसुन, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च एवं फ्रांस बीन शामिल हैं। विभाग ने अभी तक सब्जी फसलों में 25 नई प्रजातियों का विकास किया। मटर की जल्दी पकने वाली किस्म VL सब्जी मटर 13 विकसित की, चूर्णिल आसिता रोग रोधी किस्म VL 14 और VL 15 विकसित की, प्याज की VL प्याज 3 एवं लहसुन की VL लहसुन 2 किस्म विकसित की, खरीफ मौसम में टमाटर, शिमला मिर्च की 2 प्रजातियां विकसित की। आगे की क्या रणनीति है, जानने के लिए चलते हैं फसल सुधार के विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल जी के पास। सब्जी परियोजना के बारे में बात करें तो हम यहाँ 6 फसलों पर प्रजनन कर रहे हैं, 6 फसलों की प्रजाति का डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें सब्जी मटर, प्याज, लहसुन, टमाटर, शिमला मिर्च और फ्रांस बीन। इसमें लगभग अभी तक 25 फसलों नई प्रजातियों का विकास किया गया है। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फसल उत्पादन प्रभाग का मुख्य कार्य कुशल संसाधन उपयोग करना, विविधीकरण, यंत्रीकरण और कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से महत्वपूर्ण पर्वतीय फसल प्रणाली की उत्पादकता में सुधार के लिए रणनीतियां बनाना है।
इसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से स्थायी उत्पादकता के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कुशल फसल प्रणालियों का विकास, कृषि उपज वृद्धि, कृषि का संरक्षण, एकीकृत जल और मृदा प्रबंधन, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया का उपयोग, चारा प्रबंधन, सूक्ष्म जीव संसाधन, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण, प्लास्टिक कल्चर प्रौद्योगिकियों का विकास करना शामिल है। कार्य को विस्तार देने के लिए विभाग में मृदा विज्ञान प्रयोगशाला, कृषि रसायन विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला के अतिरिक्त एक यंत्र कार्यशाला भी लगाई गई है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा संस्थान करीब 25 फसलों पर कार्य करता है। यहाँ पर ये 25 फसलों में जो भी फसलें हैं तो उनके जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप करना हमारे विभाग का काम है, और इसके अतिरिक्त जो भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे वो कृत्रिम हों, तो उनका उचित उपयोग हम कैसे करें वो हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मृदा विज्ञान प्रयोगशाला। यहाँ मिट्टी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों का परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। इस प्रयोगशाला में हम मिट्टी के जो स्वास्थ्य गुण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर मैं मिट्टी के गुण के बारे में बात करूं तो हम रासायनिक गुण, भौतिक गुण और जैविक गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो मुख्य मोटिव है वो ये है कि अब किसान से हम सैंपल लेके उनका अध्ययन करके उसके आधार पर हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं और जो किसान को देते हैं, ताकि किसान भाई ये पता कर सके कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और किस पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा है, उसके आधार पर वो फसल का चुनाव करे और उसके आधार पर ही वो उर्वरक का प्रयोग करे, ताकि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से बना रहे। वहीं सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला में जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों से निर्मित जैव उर्वरकों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक वृद्धि कारक जीवाणुओं की पहचान कर उनसे विभिन्न जैव उर्वरक तैयार किए गए हैं। अगर हम जैव नियंत्रण से, जैव रसायनों के नियंत्रण के माध्यम से अगर हम जो हमारे सॉइल बोन पैथोजेंस हैं उसके अगर प्रबंधन की अगर हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा हार्जिनम की प्रमुख भूमिका है। ट्राइकोडर्मा हार्जिनम एक फफूद है जो दूसरे पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। हमारे संस्थान विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित हमारे पास दो ऐसे ट्राइकोडर्मा हार्जिनम के आइसोलेट्स हैं जो TR28 और TR202 ऐसे दो आइसोलेट्स हमारे पास हैं, जो ये सॉइल बोन पैथोजन जो मृदा में जो हमारे कवक होते हैं उनके अगेंस्ट ये अच्छा काम करता है। आइए अब जानते हैं फसल सुरक्षा प्रभाग में होने वाले कार्यों के बारे में। फसल सुरक्षा प्रभाग का मुख्य उद्देश्य सब्जी फसलों में होने वाले रोगों बीमारियों को कम करना और पैदावार में इजाफा करना है। प्रभाग के मुख्य कार्यों पर नजर डालें तो फसलों में लगने वाले कीट रोग का सर्वेक्षण व निगरानी करना, विभिन्न जीन प्रारूप में से रोग प्रतिरोधी प्रविष्टियों की पहचान करना, पर्यावरण अनुकूल रोगों व कीटों का प्रबंधन करना, द्वितीयक कृषि द्वारा रोजगार सुरक्षा प्रदान करना। अपने अनुसंधानों के दौरान प्रभाग फसलों में लगने वाले इन कीट रोगों पर शोध कार्य कर रहा है। फसल सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्याधियों जिसमें कि मुख्य रूप से रोग, कीट एवं निमेटोड्स आते हैं, उनको निगरानी करना, विभिन्न रोगों का सर्वेक्षण करना तथा उनसे होने वाले विभिन्न फसलों में होने वाले नुकसान को कम करके उपज को बढ़ाना है। हम मुख्य रूप से कीटों द्वारा, रोगों द्वारा एवं निमेटोड द्वारा होने वाले विभिन्न फसलों में जो नुकसान है उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं और किस तरह से अन्य जो विधियों को अपना करके उनको कम करने के लिए हम सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए धान एक प्रमुख फसल है। इन क्षेत्रों में धान की खेती लगभग 6 लाख हेक्टेयर में की जाती है, जिससे लगभग 14 लाख टन उत्पादन होता है। उत्पादन में सुखद आंकड़ों के पीछे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सफल प्रयास हैं।
संस्थान अब तक धान की कुल 29 प्रजातियां विकसित कर चुका है, जिसमें सिंचित अवस्था के लिए 16 प्रजाति, असिंचित अवस्था के लिए 13 प्रजाति हैं। इतना ही नहीं, 13 प्रजातियां जैविक अवस्था के लिए विकसित की गई हैं, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिले। संस्थान ने हाल ही में लाल धान की 2 किस्में वीएल धान 159 असिंचित दशा में, वीएल धान 69 सिंचित दशा में जारी की गई है। हमारे संस्थान द्वारा अभी तक धान में लगभग 29 प्रजातियां विकसित की जा चुकी है। यह संस्थान सिंचित और असिंचित दोनों दशाओं के लिए काम करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी पर्वतीय इलाकों में सिंचाई व पेयजल की भारी कमी रहती है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कुल बुआई क्षेत्रफल का लगभग 10% क्षेत्र ही सिंचित है। पर्वतीय भागों में भूमिगत जल बहुत कम है, जो लगातार सूखते जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान साल 1982 से अखिल भारतीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत पॉली सीमेंट टैंकों का अनुसंधान कर रहा है। तो इस क्षेत्र में हमारा संस्थान काफ़ी उत्कृष्ट काम कर चुका है, और जैसे कि सीमेंट टैंक बनाना, पॉली सीमेंट टैंक बनाना, और उसके ऊपर जैसे आप नीचे इधर देख सकते हैं ग्रेविटी फेस, इसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें से हम पानी इकट्ठा करते हैं और एक पॉली सीमेंट टैंक में इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद उसको हम ग्रेविटी बेस्ड माइक्रो इरीगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम में उसका उपयोग करते हैं, और अगर वो एक्सेस पानी है तो हम एक नीचे टैंक बनाए हैं जो 135,000 मीटर क्यूब का है, और उससे हम जब ज़रूरत पड़ती है तो हम वापस उसको फिर से अपने खेतों में पंप की सहायता से, चाहे वो सोलर पंप हो या इलेक्ट्रिक पंप हो, उसकी सहायता से हम वापस अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। भारत की संकल्प यात्रा चौपाल चर्चा बनारस के भद्रासी गांव से होने वाली है। क्या क्या मिला है सरकार से? पीएम किसान पेंशन योजना, राशन कार्ड और बाकी उज्ज्वला योजना। संकल्प भारत यात्रा के तहत इफको के द्वारा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और प्लस सागरिका द्वारा ड्रोन से स्प्रे कराया जाना है। कृषि विज्ञान विभाग भी अपनी सेवा ज्ञान के रूप में इनको विकसित करता है, कैसे आत्मनिर्भर बन के अपने खेतों में खुद खड़े हो किसान हमारे। अगर हम अपने लागत को पहले से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी सीधे से है कि हमारी जो है इनकम बढ़ जाता है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा पर खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा। संस्थान मक्का के क्षेत्र में भी अग्रणी कार्य कर रहा है। संस्थान ने देश में मक्का की पहली संकर प्रजाति विकसित करने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही देश के पहले क्वालिटी प्रोटीन मक्का संकर प्रजाति विवेक QPM 9 विकसित करने का श्रेय भी इसी संस्थान को जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा डबल्ड हैप्लॉयड टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीकी के उपयोग से संस्थान के मक्का प्रजनन कार्यक्रम में तेजी आई है, जिससे संस्थान द्वारा उन्नत प्रजातियों का लाभ किसानों को समय से मिल पा रहा है। ये हमारे संस्थान द्वारा विकसित हाइब्रिड्स हैं। ये स्वीट कॉर्न हाइब्रिड है, VL मधुरिमा, ये VL वीटा ए है जिसका मैंने जिक्र किया था। इसमें जो प्रोविटामिन ए की मात्रा है वो सामान्य मक्का में जो प्रोविटामिन ए की मात्रा होती है उससे तिगुनी है, और VL हाइब्रिड 63, VL QPM हाइब्रिड 45 और VL हाइब्रिड 59 ये हमारे नए क्वालिटी प्रोटीन बेस हाइब्रिड्स हैं। मैंने बात की थी डबल्ड हैप्लॉयड तकनीकी की, जिसका उपयोग कर जो प्रजनन चक्र है फसलों का उसको कम किया जाता है,
और ये जो फैसिलिटी है, ये जो तकनीकी है, ये देश के गिने चुने संस्थान ही इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से एक संस्थान हमारा है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पर्वतीय क्षेत्रों में मंडुवा व मादिरा की कई उन्नतशील प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें वीएल मंडुवा 376, 352, 389, 400, 408 ये प्रजातियां मात्र 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, जो झोंका रोग के लिए प्रतिरोधी है। मतलब बताने बहुत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी डेनमार्क के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि ऑर्गेनिक मंडुवा एक्सपोर्ट हो सके किसानों से यहाँ से। तो अभी इसकी बहुत अपार संभावनाएं भविष्य में आने वाली हैं। नया शोध जो अभी किया, अभी जो मेन समस्या अभी आ रही है नई पीढ़ी में इन फसलों को प्रचारित करने में, एक जो मेंटल ब्लॉक बोलते हैं इसको, कि लोगों का है कि इसका जो उत्पाद बनाओ काला है या भूरे रंग का है, तो नई जनरेशन अक्सर उसको पसंद नहीं करती है। तो उसको ध्यान रखते हमने कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका कलर चेंज किया। संस्थान मशरूम उत्पादन में भी सराहनीय कार्य कर रहा है, क्योंकि भारत में सबसे पहले मशरूम उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों से ही शुरू हुआ था, क्योंकि इन क्षेत्रों का तापमान मशरूम उत्पादन के लिए अनुकूल है। संस्थान में फसल अवशेष प्रबंधन और मशरूम उत्पादन के लिए मशरूम कंपोस्टिंग इकाई की स्थापना वर्ष 2016 में की गई। इस इकाई में लगभग 20 टन कंपोस्ट 17 से 18 दिन की अवधि में तैयार की जाती है, साथ ही किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्तमान में हमारे पास दो पाश्चराइजेशन टनल हैं और एक टनल की जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो करीब 10 टन है। तो इस तरह हम एक महीने में करीब 4 टनल ऑपरेट करके करीब हम 40 टन कंपोस्ट का निर्माण कर सकते हैं। ये कंपोस्ट जो है बटन मशरूम उत्पादन के लिए बहुत ही विशिष्ट प्रकार की खाद है, जिसपे कि सिर्फ बटन मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। इस कंपोस्ट को बनाने में हमें 16 से 17 दिन का समय लगता है और लघु अवधि द्वारा हम इसमें कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। उन्होंने बताया, इनने सिखाया, ट्रेनिंग दी हमको, तब हमने लगाए, फिर उसमें हमको 15 किलो हो गए लगाए, फिर बेचे 3000 रुपये हो गए। यहाँ से हमें कंपोस्ट मिलता है, उसमें हम अच्छी तरह से वो करते हैं, उसको मिला के पन्नी में पैक करके, और हमें बहुत अच्छी उपज हुई। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से हमें मशरूम के बारे में यहाँ बताते हैं, हमने अच्छा उत्पादन किया है। मशरूम उत्पादन आय का साधन। खेती के साथ आय के विकल्प बढ़ाने के लिए संस्थान मधुमक्खी पालन पर जोर दे रहा है। हमारे देश में मधुमक्खियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में एक मधुपालक लगभग 10 मौन बक्सों से सालाना करीब 38,000 रुपए तक कमा सकता है। संस्थान के एपिकल्चर के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से एपिस बीज और नॉन एपिस बीज पर काम कर रहे हैं। एपिस बीज के मुख्य रूप से हम परागण और शहद बनाना और साथ साथ हनी बॉक्सेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस पर कार्य कर रहे हैं, और नॉन एपिस बीज के अंतर्गत हम विभिन्न फसलों में इसके परागण क्षमता को कैसे वृद्धि करेंगे उस पर कार्य कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में संस्थान के प्रयास बेहद सराहनीय रहे हैं, साथ ही उन्नत प्रजातियों के बीज किसानों को मिल सके, इसके लिए संस्थान की बीज इकाई अहम भूमिका निभा रही है। संस्थान द्वारा 3 श्रेणियों का बीज उत्पादित किया जा रहा है, नाभिकीय बीज, प्रजनन बीज, सत्यापित बीज। संस्थान हर साल 25 से अधिक फसलों की 60 से अधिक प्रजातियों का लगभग 150 क्विंटल प्रजनक बीज व 250 क्विंटल से अधिक टीएल बीज उत्पादित कर रहा है। संस्थान की जो उन्नत प्रजातियां हैं उनके बीज उत्पादन का कार्य वो संस्थान की बीज इकाई द्वारा संपादित किया जाता है, और हम साल में करीब 25 से अधिक फसलों की 60 से ज़्यादा प्रजातियों का बीज पैदा करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव यानी सामाजिक विज्ञान अनुभाग की ओर। संस्थान के इस अनुभाग का मुख्य कार्य पर्वतीय कृषि के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर शोध कार्य करना है।
अनुभाग पर्वतीय कृषकों पर संस्थान की तकनीकियों से होने वाले प्रभाव का आकलन करता है। पर्वतीय कृषि में लैंगिक मुद्दों पर शोध करने एवं कृषिरत महिला सशक्तिकरण के लिए अनुभाग प्रयासरत है। सामाजिक विज्ञान अनुभाग का मुख्य कार्य पर्वतीय कृषि से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर शोध कार्य करना है। इसके अंतर्गत संस्थान द्वारा विकसित तकनीकियां एवं संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का पर्वतीय कृषकों पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का आकलन करना शामिल है। विवेकानंद कृषि पर्वतीय अनुसंधान संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की रफ्तार को बढ़ाने में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। संस्थान का उद्देश्य फसलों में गुणवत्ता को बढ़ाना और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है और ऐसी किस्मों को इजाद करना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सके। इस संदर्भ में संस्थान ऐसी कई तरह की किस्मों को लेकर आए हैं। विवेकानंद कृषि पर्वतीय अनुसंधान संस्थान के संबंध में जानकारी अभी बाकी है। आगे की जानकारी के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अगले सप्ताह इस सफर को आगे बढ़ाएंगे, संस्थान से एकत्रित किए ज्ञान को आप तक पहुंचाएंगे। अगले सप्ताह होगी आपसे फिर मुलाकात। इसी उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही। और प्रतिवर्ष मेरे को इससे लगभग 7 से 8 लाख रुपया का आमदनी हो रहा है। और पहले मैं जब इसमें धान और मक्के की खेती करता था, दो सीजन में मक्का और धान का खेती करने के बाद भी मेरा इससे 2 लाख का कमाई नहीं होता था। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना बेहतर योजना जो लागू किए हैं, इससे हमको लखपति बनने का मौका मिला। साथ ही साथ गाँव के जो निचले स्तर के लोग, उन लोग भी इससे फ़ायदा लेके लखपति बनने के और अग्रसित है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो जो आपका जो सोच है वो साकार होने के लिए जा रहा है और 2047 में भारत एक विकसित भारत के रूप में उभर के आएगा। बदलते भारत की शान।